सुबह हो या शाम, रोज कीजिए योग, निकट ना आएगा आपके कोई रोग, जो करते हैं इसे नहीं छूते रोग, बनकर योगी खुद से दूर भगाओ रोग, योग है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, योग रोग मुक्त जीवन के लिए गुणकारी। सो हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे टू ऑल ऑफ यू। एज वी नो डेट टुडे इज 21 जून एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे। सो अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, दिस इज नमिता राणा एंड दिस इज माई सेकेंड ब्लॉग। सो अगेन आज फिर स्पेशल ओकेशन है, दैट इज योगा डे। तो अगेन मैं योगा के लिए कुछ बेनिफिट्स लाइंस आपके लिए लेके आई हूँ, कुछ योगा टिप्स हैं जो आपको एंड तक देखना है, जिससे आप खुद जो है उससे लाभ उठा सके और हेल्दी बन सके, क्योंकि हेल्थ है तो जीवन है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं योगा के लिए कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ वाले जो ज़िंदगी है, इसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने का जो होड़ है, हम उसमें अपने आप को भूल ही जाते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। भाग दौड़ है, नौकरी, ये सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका नतीजा हमारे स्वास्थ्य को ही झेलना पड़ता है। हम पैसे और नाम को कमा तो लेते हैं, लेकिन उसके बदले में हम अपने स्वास्थ्य को गवा देते हैं। जरा सोचो, अगर आप स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो फिर किस काम का पैसा और काम का नाम। सो योग का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंस है। योग हमारे बॉडी को सही फिगर, सही फ्लेक्सिबिलिटी एंड गुड ब्लड सर्कुलेशन देता है। इसके थ्रू जो है हम बहुत हमारा स्किन अच्छा रहता है, स्किन ग्लो करता है। सो इस तरह योगा के जो है बहुत सारे फायदे हैं, हमारे बॉडी एंड मन को हेल्दी रखता है योगा। योग के कई फायदे हैं तो देखते हुए हमारे देश एंड पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। तो आइए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं योग और बन जाते हैं योगिनी। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक्ड माई योगा सेशन। एंड जाते जाते इस ब्लॉग में मैं यही कहना चाहती हूँ कि रोज़ योगा किया कीजिए। योग से सारी बीमारियाँ जो है वो दूर हो जाती हैं। एंड अगर आपको कुछ छोटी मोटी बीमारियाँ हो भी जाती है तो प्लीज़ अवॉइड मेडिसिन, हो सके तो आप एक्सरसाइज के थ्रू ही उसे ठीक करने की कोशिश करें। एंड अगर कुछ बीमारियां हो भी गई हैं, जैसे कि बैक पेन, आपकी नी में पेन है, आपको बहुत ही घुटनों में दर्द होता है, चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, तो प्लीज़ कंसल्ट फिजियोथेरेपिस्ट ही आप कंसल्ट कीजिए, क्योंकि माय सिस्टर इज़ आल्सो फिजियोथेरेपिस्ट। सो हो सके तो विदाउट मेडिसिन ही अपने बीमार को ठीक करने की कोशिश कीजिए। तो जाते जाते अगेन, स्वस्थ जीना जिंदगी की जमा पूंजी है, योग करना रोग मुक्त जीवन की कुंजी है। सो आई होप यू लाइक दिस। सो जाते जाते अगेन मैं यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल। अगर आपको पसंद आता है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं पसंद आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, ताकि जो है अगर कुछ भी आपको पसंद नहीं आ रहा है तो उससे जो है आपकी कमेंट्स के थ्रू मैं खुद को इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करूँगी। तो यस, प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन, then only you will get my new updates. So thank you, bye.